हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और यहाँ पर अभी भी मैंने ब्रेकफास्ट किया है। ये कटलेट बनाए थे, तो ये ना सूजी के कटलेट है। एक्चुअली ये सूजी और इसमें थोड़ा सा आलू वगैरह डाल के, थोड़ी प्याज वगैरह डाल के कटलेट बनाए थे, तो वो खाया है अभी भी। और हाँ, बच्चे गए हैं खेलने। और हाँ, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। संडे है आज, मैं दोबारा से भूल गई आपको बताना कि कौन सा डे है। तो आज है संडे और आज का डे थोड़ा सा अजीब सा जा रहा है। ऐसे ही बैठी हूँ तो इस वजह से मैं सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ क्या हो रहा है। तो बिल्कुल पूरा घर खाली हो चुका है क्योंकि अद्विक और माही गया है अंकल के यहाँ पे खेलने के लिए, श्रीकांत के घर पे। तो इसी वजह से घर पे कोई नहीं है, तो मैं बोर हो रही हूँ इस वजह से आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ अभी। और हाँ, आज ना थोड़ा सा सुबह सुबह उठी। एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, बट वहाँ पर जिम के आउटडोर एक्टिविटीज़ थी तो इसी वजह से वहाँ पर जाना पड़ा। बोर हो रहा था तो हम लोग चले आए जल्दी से वहाँ पर जाके। तो इस वजह से ना थोड़ा सा वो भी हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है तो इस वजह से आलस आ रहा है। मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आज थोड़ा सा आलस आ रहा है क्योंकि रात को लेट सोई, उसके बाद आज सुबह उठना पड़ा। चलिए, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। रेडी हो चुकी हूँ मैं। पता नहीं बाल नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर बाल मुझे वही करने हैं, तो इतने अच्छे से बाल नहीं बनाया मैंने एक्चुअली। मैं हाँ, मैं आपको बताना भूल गई मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ हेयर कट और हेयर कलर कराने। तो अभी पता चलेगा कौन सा करवाऊंगी वहाँ पर। एक्चुअली उनसे पूछा नहीं मैंने, अपॉइंटमेंट ले ली है। तो उनको मैंने सुबह ही कॉल किया था, अभी बज रहे हैं 3:30। तो उनको एक्चुअली मैंने 12 बजे ही कॉल किया था, तो बोल रहे थे कि आप दोपहर में आ जाओ, फ्री है वो। तो इस वजह से मैं अभी जा रही हूँ। और यहाँ पर पतिदेव बना रहे हैं चिकन, ये चिकन बन रहा है। हाय बोल दो। आज का हाय, चिकन, आज का चिकन संडे है, संडे स्पेशल जो लंच है वो पतिदेव के हाथ का है आज का। एक्चुअली रोटी तो उनको बनानी आती नहीं है और चावल तो हम लोग खाते नहीं है, तो रोटी तो मुझे ही बनानी। आधा लंच इन्होंने बनाया, आधा लंच मैंने, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हाफ हाफ किया है हम लोगों ने आज। तो वो है। और आप लोग सभी लोग बोल रहे हो कि आप कहाँ बिजी हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो अरे रिप्लाईज करना नहीं होते हैं कमेंट सर। सर्वजन विचारता है कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कमेंट का रिप्लाई नहीं करना हो रहा है, थोड़ा सा बिजी थी। रिप्लाई दीजिए करो ना, थोड़ा दिमाग में हाँ, टाइम मिलता है। थोड़ा अभी सा बिजी थी, बस थोड़ा सा बिजी थी। आप गुस्सा मत कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूंगी। इसके बाद के जो व्लॉग आएंगे उसमें मैं पूरे कमेंट की रिप्लाई कर दिया करूंगी। अब कैसा हो रहा है कि मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, उसके बाद जो भी जो कमेंट आ रही है, मतलब जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो उसके बाद मैं उसका रिप्लाई कर दे रही हूँ। बट उसके बाद ना क्या हो रहा है कि मैं भूल ही जा रही हूँ, दूसरा ब्लॉग अपलोड कर दे रही हूँ, उसके बाद के जो कमेंट आ रहा है उस पर रिप्लाई कर रही हूँ। तो ऐसे करके मैं भूल जा रही हूँ बाकी के कमेंट। तो अभी इसके बाद ऐसा नहीं होगा, इसके बाद प्रॉपर आपको रिप्लाई मिलेगा जो भी आप कमेंट करोगे, और कमेंट करना मत भूलेगा। तो चलिए, मैं पहले जाके आ जाती हूँ। और हाँ, माही की भी हेयर कट करानी है। माही की चिकन भी चिकन दिखा दो ना, कैसा चिकन बना। दिखा दूँ? अरे बाप रे, चिकन तो देख लो आप पहले। हाँ, चिकन देख लो। ये मैं बाद में खाने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है, इसी वजह से मैं बाद में खाने वाली हूँ। तो चलिए, पहले जाके आ जाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। और आप लोग देखिएगा कि हेयर कट कैसा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरा न्यू लुक देखने के लिए, और आप भी एक्साइटेड होगे ही मेरा न्यू लुक देखने के लिए। तो और मैं बार बार यहाँ पर ही हाथ लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो हेयर स्टाइल है थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। बट पता नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं था इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कर लूँ वहाँ तक जाने तक, लेकिन जाने दीजिए, काफ़ी बांधना है मुझे तो इतना कुछ नहीं है। तो चलिए फिर, अभी जाके आ जाती हूँ जल्दी से। वहाँ पर जाने के बाद आप देख लेना अच्छे से हेयर कट और हेयर कलर, तो मैं वहाँ पर चूज़ करने के टाइम आपको दिखा दूंगी कि कौन सा हेयर कलर चूज़ कर रही हूँ। तो चलिए फिर जाते हैं, और उसके बाद आप न्यू लुक देख ही लोगे मेरा। तो गाइज, मैं पहुंच गई थी सलून में, और एक है जावेद हबीब यहाँ पे और एक आर्टिस्ट रूम है। तो दोनों भी यूनिसेक्स सलून है, बट मैं ज़्यादातर आर्टिस्ट रूम में ही जाती हूँ। मतलब ज़्यादातर क्या, मैं हमेशा आर्टिस्ट रूम में ही जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की सर्विस और यहाँ पर सारी चीज़ों की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादातर जाती हूँ। मुझे जो भी करवाना है हेयर्स का या कुछ भी, तो यही भैया से करवाती हूँ।
एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पर हो रहा है माही का हेयर कट, क्योंकि माही के हेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और आप लोगों को पता ही है पिछले बार माही के हेयर्स कट किए थे, तो ब्लॉग शेयर किया था मैंने माही के हेयर्स कट करने का, तो उस टाइम भी भैया नहीं करवाए थे, तो उस टाइम थोड़ा सा बड़े रखे थे, बट इस टाइम मैंने थोड़ा सा छोटे रखने के लिए बोला था भैया को, क्योंकि इसके स्कूल में ना क्या होता है कि थोड़ा सा भी बड़े रखते हैं ना तो चोटी बांधने के लिए बोल देते हैं, तो इसी वजह से मैंने भैया को बोला कि थोड़ा सा छोटा ही करो इस बार, तो उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया था। तो इनका ना हेयर कट मुझे काफ़ी पसंद आता है, तो इसी वजह से मैं हेयर कट किया, मैं सारी चीज़ें इनसे ही करवाती हूँ, तो इसी वजह से। और स्मूदनिंग के टाइम भी आपने देखा होगा यही भैया थे स्मूदनिंग के टाइम भी, तो स्मूदनिंग के टाइम भी इनसे ही करवाया था मैंने, और माही का हेयर कट मेरा हेयर कट यही कराते हैं। तो अभी देखिए माही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, माही का हेयर कट भी। और सबसे पहले ना मेरा हेयर कलर कराने से पहले वॉश कर लेते हैं, तो वॉश ज़रूरी होता है वॉश करना हेयर्स को, पहले वॉश करते हैं उसके बाद उसका डर्ट वगैरह निकालने के बाद, अगर आप वॉश करके भी जाते हो ना तो वो वॉश कराती ही है आपके हेयर्स को, तो इसी वजह से पहले वॉश करने के बाद वो हेयर कलर कराएंगे। और हेयर कलर मेरे पसंद से उन्होंने कराया था, मतलब वहाँ पर मुझे चूज़ करने के लिए बताया था, तो बोला था वहाँ पे कैटलॉग दिया था मुझे चूज़ करने के लिए, और फिर मैंने उसमें से कैटलॉग में से चूज़ किया था। और इस बार मैंने गोल्डन ऑमरे किए थे, आप लोगों को पता ही है पिछली बार मैंने रेड ऑमरे किए तो वो काफ़ी दिन निकल गए थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ये तो गोल्डन ऑमरे क्या होता है कि गोल्डन ऑमरे हमेशा के लिए रहते हैं, जब तक आप बाल नहीं काटोगे ना तब तक आपके हेयर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इसी वजह से मैंने ना गोल्डन ऑमरे किया है इस बार। और वो रेड ऑमरे का क्या हो गया था, जैसे ही हम लोग वॉश करते थे तो जितनी बार वॉश करते थे उतनी बार कलर जाता था उसका, तो इसी वजह से वो रेड ऑमरे जल्दी चले गए थे और उस पैसे मेरे बर्बाद हो गए थे उसमें, तो इसी वजह से मैंने इस बार ना गोल्डन ऑमरे किया है। और आप देख ही लेना कि किस तरह से वो मतलब अभी जो गोल्डन ऑमरे है वो कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर फिर ड्रायर से बाल सुखाए जा रहे हैं, ड्रायर से बाल ड्राई करेंगे और उसके बाद फिर अपना जो मुझे कलर करना है वो मुझे दिखा रहे थे वो, तो ये वाला कैटलॉग है और जो लास्ट वाला जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, इस तरह से पूरे कलर्स थे, तो ये जो लास्ट वाला है लाइट ब्राउन वो मैंने कराया था, तो ये सारे जो हेयर्स है वो दिखा रहे थे मुझे कि इस तरह से आपके हेयर्स होंगे। एक्चुअली मैंने जब रेड ऑमरे किए थे ना उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रेड ऑमरे जल्दी निकल जाता है, तो रेड ऑमरे एक्चुअली अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे जब मैंने करवाए थे, बट बहुत जल्दी निकल गए यार वो, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये पैसा बर्बाद ही हो गया मेरे, तो एक 2 महीने, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही महीना रहे होंगे वो, और रेड ऑमरे जल्दी चले गए, तो ये वाला जो लाइट ब्राउन है वो मैं करवाने वाली हूँ। तो इस तरह से सारे कलर्स दिखा रहे थे वो मुझे, और इस तरह से आपको कैटलॉग देंगे वो, और आपको चूज़ करना पड़ेगा उसमें से कि कौन सा कलर करवाना है, तो जो मैंने कलर चूज़ किया है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और एक्चुअली ये वो जो कलर है वो काफ़ी अच्छा लगता है ऑमरे में, तो इसी वजह से मैंने वो करवाया है। और यहाँ पर रेडी हो गया है मेरा कलर के बाद भैया कहेंगे हेयर को, तो यहाँ पर पहले ही मेरे हेयर्स को थोड़े से कलर थे, मतलब आप देख सकते हो ऑमरे जाने के बाद ये ऐसे गोल्डन हो जाता है, तो इस तरह से फॉइल पेपर पहले रखेंगे और उसके बाद कलर कराएंगे, तो इस तरह से पहले फॉइल गया, और उन्होंने ना मुझे बताया था पहले कि कितनी लेंथ चाहिए क्या है, तो मैंने उनको बताया था, एक्चुअली मैंने उनसे बोला था कि आप बताइए कि कितना लेंथ मतलब कितनी लेंथ लिए लगाना है, तो वो बोले कि इतना इतना करोगे तो अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से मैंने बोला कि आप कर दो, आपको जितना मतलब लगे उतना कर दो आप, तो उन्होंने इतना हाफ तक किया, तो हाफ में अच्छे लग रहे थे, बाद में आप जब देख ही लेना कि ये रिजल्ट कैसा आएगा, तो इस तरह से उन्होंने पहले कलर लगाया और उसके बाद उन्होंने एक ब्रश की हेल्प से उसे इवनली स्प्रेड किया, और उसके बाद फिर उन्होंने फॉइल पेपर रैप किया था, तो इस तरह से उन्होंने लगाए थे कलर मेरे हेयर्स पे, और उसका रिजल्ट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था गाइज, आप देख लेना बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे ना लगा भी नहीं था इतने अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी तो मुझे लगा था कि पता नहीं मेरे कॉम्प्लेक्शन को सूट होगा या नहीं होगा, बट जब मैंने रेड कलर किया ना तो उस टाइम भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि गोल्डन मेरे कॉम्प्लेक्शन को पता नहीं सूट करेगा या नहीं, बट सच में गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था, तो आप बाद में देख लेना, सभी ने मतलब सभी ने तारीफ़ की है, और एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था वो कलर। और यहाँ पर भैया चेक करने के लिए आए थे आधा घंटे के बाद कि कलर हुआ है या नहीं हुआ है,
तो उन्हें लगा कि कलर इतना अच्छे से नहीं आया है, तो उन्होंने 5 मिनट और छोड़ दिया था लगा के, तो उसके बाद फिर कलर आ गया था, तो उन्होंने वॉश कर लिए थे। और आप देख सकते हो कलर आ गया है, और वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अभी ये जो ड्राई होंगे तो अब आपको पता चलेगा। तो इसलिए वो ना थोड़ा सा, मैंने पहले जो रेड ऑम्ब्रे किया था उसमें तो डैमेज हो गए थे मेरे बाल, मतलब नीचे से घास घास जैसे लग रहे थे। तो इसी वजह से उनको ना मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा रिपेयर करवा दो वो जो डैमेज हो चुके हैं बाल, मतलब नीचे नीचे से एकदम स्प्लिट एंड्स टाइप लग रहे थे। तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कि आप रिपेयर करवा दो। तो उन्होंने क्या किया कि कैरेटिन के लिए मुझे सजेस्ट किया था, कैरेटिन करवाओ करके। तो उनको लगा कि कैरेटिन हाफ बालों में ही किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे मतलब पैसे भी सेव होंगे, और बाकी का मतलब एक्चुअली मैंने स्मूदनिंग अभी कराया था, तो इसी वजह से वो भी वैसे के वैसे बरकरार रहेगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि नीचे नीचे ही सिर्फ जहाँ पर बाल डैमेज हो गए थे वहाँ पर ही सिर्फ उन्होंने वो किया, कैरेटिन कराया था मेरा। एक्चुअली जब मैंने उनको कॉल किया था सुबह घर से, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि आप आओ फिर देखेंगे कि क्या करना है, बाल देख के पता चलेगा। जैसे मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मेरे बालों को देखा, तो उनको लगा कि कैरेटिन करना चाहिए इस पर। पूछ रहे थे मुझसे कि कलर कराना ज़रूरी है क्या, तो मैंने बोला उनको कि कलर मुझे कराना ही है, बट उनको लगा कि कलर कराना ही है तो कैरेटिन कराना ज़रूरी है, तो इस वजह से मुझे उन्होंने कैरेटिन के सजेस्ट किया था। तो मैंने कैरेटिन कराया और हाफ बालों में ही कराया, जहाँ जहाँ पे सिर्फ वो क्या बोलते कलर लगाया था वहाँ पर ही मैंने वो किया, क्या बोलते कैरेटिन कराया। यहाँ पर ब्लो ड्राई कर रहे हैं बाल, तो ड्राई हो जाने के बाद वो कुछ मास्क लगाएंगे, मतलब कैरेटिन के लिए जो क्रीम होता है वो लगाएंगे, और उसके बाद फिर वो दिखा रहे थे अभी मुझे कि बाल कैसे हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे जब देखा मैंने, तो उसके बाद मुझे अच्छे लग रहे थे बाल। यहाँ पर बाल जो है वो ड्राई हो चुके थे, तो यहाँ पर वो भैया लगा रहे हैं कैरेटिन वाला क्रीम। तो कैरेटिन क्रीम लगा के वो ऐसे ही छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, और उसके बाद फिर उसमें आयनिंग नहीं करेंगे एक्चुअली यहाँ पे, तो और ना आयनिंग करेंगे ना हेयर वॉश करेंगे ना कुछ भी नहीं। एक्चुअली जो स्मूदनिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगी मुझे, इसमें ना बहुत कम प्रोसीजर लग रही है। तो सिर्फ वो क्रीम लगाएंगे, उसके बाद आयनिंग नहीं करेंगे, ड्राई ब्लो ड्राई करेंगे, और वो बाल ड्राई करने के लिए हीट का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जो ड्रायर में हीट होती है उसका यूज़ नहीं करेंगे, जो ठंडी हवा आती है उसी से बालों को ड्राई करेंगे वो। और यहाँ पर पूरे बालों को कलर लगाया, सॉरी कलर बोल रही हूँ, कैरेटिन का क्रीम लगाया जा रहा है, और उसके बाद वो अच्छे से छोड़ देंगे इसे सेट होने के लिए, मतलब काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक तो छोड़ ही देंगे, जैसे स्मूदनिंग के टाइम छोड़ा था उस टाइम आधे घंटे तक छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर डायरेक्टली वॉश नहीं करेंगे, डायरेक्टली उस पर हीट अप्लाई करेंगे, मतलब जो स्ट्रेटनर होता है उससे स्ट्रेट करेंगे बाल। तो पहले ये सेट होने देंगे, उसके बाद वो प्रोसीजर होगा। यहाँ पर जो क्रीम है उसने काम कर दिया था अपना, तो इस वजह से भैया यहाँ पे वो कर रहे हैं ब्लो ड्राई कर रहे हैं, तो वो ठंडी से कर रहे हैं, मतलब उसमें हीट यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाल ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर अभी हीट यूज़ करेंगे, मतलब जो स्ट्रेटनर है वो यूज़ करेंगे, और एक बार के बालों में ना स्ट्रेटनर 5 से 6 बार घुमाया जाता है, और स्मूदनिंग में बहुत ज़्यादा बार, मतलब 15 से 20 बार घुमाया जाता था। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग और क्या बोलते हैं कैरेटिन में थोड़ा फ़र्क लगा मुझे। तो अभी इसके बाद ना अभी तुरंत हेयर वॉश नहीं होगा, अभी उन्होंने स्ट्रेट करके रख दिया है, तो ये स्ट्रेट किए हुए ही बाल मेरे, मतलब अभी के बाल है। मैं हमेशा जाती हूँ ना वहाँ पे, तो भैया को ऐसे ही परेशान करती हूँ, मतलब पूछती रहती हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो वो बताते भी है, बोर नहीं होते हैं, तो वैसे भी बोर ना होने के लिए वो बताते हैं। तो इस तरह से उनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ कि कैसे करना है, केयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं करते करते मुझे। अभी ये लास्ट प्रोसीजर है, मतलब हेयर आयनिंग की, तो ये प्रोसीजर हो जाने के बाद कोई भी प्रोसीजर नहीं है, तो उसके बाद का रिजल्ट आप देख लेना। अभी आप रिजल्ट देखोगे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और भैया बोल रहे थे कि जैसे जैसे आप वॉश करोगे वैसे वैसे और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेंगे, और भी ज़्यादा शाइन करेंगे। तो कल मुझे हेयर वॉश करने के लिए जाना है, और उसके साथ साथ मैं एक अच्छा सा हेयर कट कराऊंगी, तो वो व्लॉग भी देखना मत भूलेगा, मेरा न्यू लुक देखना मत भूलेगा। गाइज मैं घर पे आ गई हूँ, और हस्बैंड का रिएक्शन दिखाने के लिए हस्बैंड भी घर पे नहीं है। और हाँ, आप लोगों को हेयर्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, 1 मिनट मैं आगे लेके आपको दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं, बट एक्चुअली आपको पीछे से तो आपने देख ही लिया है कि ऐसे लग रहे हैं, तो आगे से मैं आपको अभी ना ये इसको वॉश करना है, थोड़े से चिपचिपे लग रहा है ये,
अभी इसे वॉश करना है, तो वॉश कल होगा, तो वॉश के लिए जाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्मूदनिंग के टाइम गई थी उसी टाइप से इस बार भी वॉश के लिए जाना पड़ेगा। और उस टाइम वो हेयर कट वगैरह भी कराना है मुझे, थोड़ा सा अच्छा सा हेयर कट कराऊंगी, थोड़ा सा न्यू लुक देना है। तो आप भी बोर हो चुके होंगे मुझे ऐसे ऐसे देख के, मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है ये वाला हेयर कट अभी। थोड़ा सा हेयर कट भी अच्छे से कराना है, और बस हेयर कलर तो कल पता चलेगा अच्छे से, आज तो इतना ज़्यादा पता नहीं। पता चल रहा है एकदम, मतलब अच्छे से पता चल रहा है, बट जो चिपचिपापन है उसे जो केमिकल लगाया है, तो वो तो कल वॉश करने के बाद ही जाएगा। तो अभी वॉश करने के बाद अच्छे से पता चलेगा कि कैसा लग रहा है कलर, और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये मतलब न्यू लुक मेरा। मतलब अभी इतना अच्छे से तो नहीं है, जब हेयर कट होगा, हेयर वॉश होगा, उसके बाद तो अच्छे से पता चलेगा। उसके बाद भी बता देना, बट अभी भी बता देना कि आपको हेयर कलर कैसा लगा। एक्चुअली मैंने पहले रेड ऑम्ब्रे किया था, तो वो तो निकल गया था। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कौन सा कलर किया है, तो रेड ऑम्ब्रे किया था। उस टाइम भी अच्छा लग रहा था, बट जल्दी निकल जाता है वो, इसी वजह से मैंने ये वाला गोल्डन किया है इस बार। और मैंने खाना भी नहीं खाया था दोपहर में, ऐसे चली गई थी। तो दोपहर से मैं अभी आई हूँ, हाँ 3 घंटा तो लगा ही आराम से वहाँ पे। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो केराटिन करेंगे, बट मुझे लगा था कि हेयर कट करेंगे और हेयर कलर करेंगे, बट उन्होंने केराटिन करा के दिया। क्योंकि ना मैंने जो ऑम्ब्रे कलर किया था पहले रेड वाला, तो वो ऑम्ब्रे कलर उन्होंने उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे जो हेयर है मेरे नीचे वाले वो मुझे ड्राई ड्राई से लग रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने उसको रिपेयर करने के लिए केराटिन करा के दिया। तो वो किया मैंने, उसके बाद पहले हेयर कलर किया, उसके बाद वो किया, तो उसमें टाइम निकल गया बहुत सारा। तो अभी खाना खाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली हस्बैंड ने चिकन बनाया था, तो आपने देख ही लिया था, तो उस टाइम मैं खाना ही नहीं खा पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझे जाना था और जल्दी आना था, इसी वजह से मैं खा नहीं पाई। और मुझे पता भी नहीं था वहाँ पर कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ी देर लगेगी, इसे मैं जाके आ जाती हूँ फिर खाना खाऊंगी, बट इतना ज़्यादा टाइम लग गया उसमें ही, क्योंकि उन्होंने केराटिन भी किया और कलर भी किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया मेरा। तो इसी वजह से पहले आते ही खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि चिकन था इसी वजह से। और काफ़ी लोग चिकन नहीं खा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हम लोग तो खा रहे हैं यार। मतलब मुझे नहीं पता कि किस किस पे कोरोना वायरस है, बट लोग बोल रहे टच करने से है, कोई बोल रहा है किसी से है, कि कोई बोल रहा है किसी से है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें कोरोना वायरस मतलब आ सकता है। हम लोग ना चिकन के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम लोग खा रहे हैं। पता नहीं सब लोग बाकी के लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। तो सो गाइज ये आ गए हैं और इनका रिएक्शन दिखाती हूँ मैं आपको, इनको कैसे लगे मेरे हेयर कलर। और अहो लाइट बगा, लाइट लाइट मध्य माता, हेयर कलर बगा, हेयर कलर बगा, कसे वाटत है। अरे मला अंगाला कसतरी होत है, कसं वाटत आहे, छान दिसत आहे फक्त। म्हणजे जसे भाजी जे केली होती त्याच्या शायनिंग होती। अरे नाही नाही हे वॉश करायचे राहिलेले, मतलब वॉश करणे के है ये, अभी वॉश करने के बाद फिर अभी उसका शाइन दिखाई देगा। वो बोल रहे थे कि जैसे जैसे वॉश करोगे वैसे वैसे इसका शाइन बढ़ता जाएगा, तो ये इस तरह से दिख रहा है अब। तो कैसे लगे लेकिन, एकदम सुपर। अरे ये इसकी साइज भी काफी बढ़ गई है। साइज बढ़ गई है, कुछ भी लेंथ थोड़ी ना बढ़ेगी। नहीं लेंथ मुझे अच्छी लगती है ना, लेंथ नहीं बढ़ती से बाबा, लेंथ नहीं बढ़ती। माही के देखो, माही के तो हेयर कट एकदम छोटे थे। माही तो ऐसी लग रही जो टीवी रिपोर्टर में कैसे माही ऐसी लग रही है, छोटे छोटे कट वाले बाल वाले। टीवी रिपोर्टर ये यहाँ पर क्यों रखा, क्या ब्राउन ब्रेड वो फ्रिज में रखा है मम्मा? ऐसे लाइक दिस मम्मा,
नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तो चलो अभी हस्बैंड का रिएक्शन तो देख लिया आपने। इनको ज्यादा पसंद नहीं आया लगता आपको क्या ये बाल? अरे नहीं, कल ना हेयर कट होगा इसका और हेयर वॉश होगा, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे लग रहा है। बट पीछे से कैसे लग रहा है? दूर से बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो हस्बैंड को तो पसंद आ गए। और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? इनके बाल कैसे लग रहे हैं? मैं पता तुझे टकला केला क्या बना रहे हो? चाय चाय बना रहे होंगे तो मैं भी पीऊंगी। जितनी बार भी चाय मिल जाए ना उतनी बार कम है मेरे लिए चाय। और हाँ चलिए फिर अभी एक मिनट। अजवी अजवी पिल्लू इकड़े ये मस्त होना। अजवी माझे हेअर कट कशी वाटते? हे सॉरी हेअर कट बोल रही हूँ, हेअर कलर कशे वाटते? अच्छे लग रहे कि नहीं बोलो? अच्छे लग रहे। अच्छे लग रहे? हाँ। आपको अच्छे लगे? फिर मेरे चॉकलेट देखो फिर। अच्छा पहले चॉकलेट जादू ओम बट आलिया भट्ट। और फिर अरे अरे ये क्या है? टमी 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 एक नंबर का चॉकलेट है वो इसको गायब करके दिखाऊंगा। और ओम बट आलिया भट्ट और जल्दी से चालू बताओ। ओम बट आलिया भट्ट ये देखो आ गया। देखो जादू करके दिखाओ। आपने दिखाओगे? जाओ फिर कट्टी कट्टी चॉकलेट मिलेगी नहीं अभी इसके बाद। चलो कट्टी कट्टी दिखाओ, जादू करके दिखाओ, जादू करके दिखाओ। फिर पांच चॉकलेट दो, फिर मिलेगा। मेरे पास पांच चॉकलेट दो, लालची बंदर। चलो फिर चलिए इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और अजवी लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके पास ढेर सारी चॉकलेट है, आप भी ले लो। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। और हाँ, आपने अगर मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, मराठी ब्लॉग चैनल, और मेरा एक दूसरा एक चैनल है जिसपे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। तो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय बोल दो अद्वी। चॉकलेट खराब ये चॉकलेट खा रहा, इसी वजह से भाई नहीं बोल रहा ये है ना अद्वी। हाँ। चॉकलेट का बाय बोल दो पहले। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर अभी और गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, चलो बाय बाय, चलो बाय, लव यू। ऐसे किससे दे दो, किसी दे दो। चलो बाय बाय। अरे ये क्या है? दीप। चलो बाय बाय।